ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। एनसीआरटी बना प्राइवेट पब्लिशर्स के मुद्दे पर दिल्ली दर्पण की स्पेशल सीरीज में वीवा बुक्स के डायरेक्टर नवीन जोशी से आइए जानते हैं उनकी राय। नमस्कार, मैं विधि धनखड़ दिल्ली दर्पण टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। एनसीआरटी बनाम पब्लिशर्स के मुद्दे को काफ़ी हफ्ते बीत चुके हैं। हमने बहुत से पब्लिशर्स, एजुकेशनल सबसे बात की। आज हम ऐसे ही एक पब्लिशर से बात करने के लिए यहाँ आए हैं। आज हम खड़े हैं वीवा बुक स्टोर में। यहाँ हम नवीन जोशी जी, जो वीवा बुक स्टोर के डायरेक्टर हैं और ABPS एसोसिएशन ऑफ स्कूल बुक पब्लिशर्स के सेक्रेटरी भी हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, पिछले 3 माह से हम लोग जो है सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं। उसके लिए हमारे प्रेसिडेंट श्री दिनेश गोयल जी और हमारे पैट्रन श्री विनोद वशिष्ठ जी और मैं स्वयं जो है वो सरकार के पास, शिक्षा सचिव के पास, मंत्री के पास, CBSE चेयरमैन के पास हम लोग गए और हमने अपनी बात उनके सामने रखी है। तो वो जो है न्यायोचित नहीं है, इसके लिए हमने अपना उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसमें सरकार का जो रुख कुछ नरम तो हुआ है, लेकिन वो स्पष्ट कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये मैंडेटरी नहीं है, कि हम स्कूलों को ये नहीं कहेंगे कि आप कंपलसरी NCERT की किताबें लगाएं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है, कि वो ये नहीं कह रही है स्कूलों से कि प्राइवेट प्रकाशकों की किताबों को भी कुछ स्पेस दिया जाए। जो किताबें उसमें जो पूरा सेट वो देते हैं 5,000 से 7,000 रुपए तक का होता है, लेकिन उस सेट के अंदर ये देखना ये होगा कि किताबें कितने मूल्य की हैं। तो जो हमारा अध्ययन है उसके अनुसार जो है उसके अंदर किताबें 1,500 से 2,000 रुपए की होती हैं। बाकी जो राशि है, मान लीजिए उसने 5,000 का सेट लिया स्कूल से, जो बाकी राशि बची 3,000 या 3,500 रुपए, उसके अंदर सारी स्टेशनरी है। स्टेशनरी क्यों महंगी है? क्योंकि वो साल भर की उनको हिंदी की कापी, अंग्रेजी की कापी, गणित की कापी, पेंसिल, पेन, कलर बॉक्स, सब कुछ वो साल भर का कोटा उनको देते हैं। अगर आप पेरेंट को ये सोचना चाहिए कि 5,000 के अंदर उसने किताबें कितनी ली, किताबें उसने 1,500 रुपये की ली, और 1,500 रुपये को अगर आप 12 महीने में वो करें तो 125 रुपये प्रति महीने का खर्चा आता है, और किताबें उसको ज्ञान दे रही हैं। किताबें घर पर रखेगा, कोई भी पढ़ेगा तो उसको ज्ञान मिलेगा। तो पेरेंट से हमारा निवेदन है कि वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझें कि स्टेशनरी अलग है, किताबें अलग हैं, और जो उनको बंडल मिलता है उसके अंदर किताबें ही ऐसी वस्तु है जिसके अंदर जो है प्राइसेस जो है प्रिंटेड हैं, बाकी वस्तुओं में कोई प्राइस प्रिंट नहीं होती है। जैसे अब NCERT की अगर साइंस 9th की किताब लीजिए तो वो 256 पेज की है, जिसके अंदर केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, और वहीं जो प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें हैं उनकी केवल जो केमिस्ट्री है वो 200 पेज की है, जो उसकी फिजिक्स की किताब है वो 250 पेज की है, बायोलॉजी की किताब 250 पेज की है। क्यों है इतने पेज की? क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। कोई NCERT ने रिसर्च नहीं करी हुई है, कोई प्राइवेट ने नहीं की है। न्यूटन का जो नियम है वो प्राइवेट के लिए भी वही है, NCERT के लिए भी वही है, लेकिन जो प्राइवेट पब्लिशर्स ने किताबों में न्यूटन के नियम को इतनी अच्छी तरह समझाया है। टेक्स्ट बुक राइटिंग जो है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, कोई आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। क्लास के अंदर कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे जो है मीडियोकर होते हैं, कुछ जो है और कमज़ोर होते हैं। तो किताब सबसे अच्छी है जो सारे बच्चों को समझ में आए। तो प्राइवेट प्रकाशकों ने इस बात का ध्यान रखा है और उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। हमारे पास बच्चों के पत्र आते हैं, वो कहते हैं जी फिजिक्स हमें बहुत कठिन लगती थी, हमें NCERT किताब से समझ में नहीं आया, जब हमने प्राइवेट प्रकाशक की किताब पढ़ी तो हमको ऐसा लगा कि टीचर हमारे बगल में बैठा हुआ है। आप इंटरव्यू करिए उन बच्चों का जो इस बार JEE के इम्तिहान में सफल हुए हैं
या आप उन बच्चों का इंटरव्यू करिए जो नीट के इम्तिहान में सफल हुए हैं, तो आपको 99 के 100% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि हमने प्राइवेट किताबें पढ़ी और तभी हम जो है IIT में हमारा सिलेक्शन हुआ या हमारा मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन हुआ। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है SC वर्मा जी की, हर कंपटीशन का बच्चा पढ़ता है। RD शर्मा की मैथमेटिक्स की किताब हर कंपटीशन का बच्चा पढ़ता है। और मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा, किताबों का मूल्य कुछ नहीं होता है। अगर आपका बच्चा एक 900 रुपये की मेडिकल एंट्रेंस की गाइड पढ़ता है और उसका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, और वैसे आपको उसके लिए लाखों रुपए क्या करोड़ों रुपए देने पड़ते, तो 900 रुपये में आपके बच्चे का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, तो उस किताब का क्या मूल्य कहेंगे आप? आज नवीन जोशी जी से बात करके हमें कुछ ऐसी बातें जानने को मिली जो हमारे सामने होते हुए भी हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, किताबों का कोई मूल्य नहीं होता। पेरेंट्स को उसके पीछे का, अपने बच्चे का फ्यूचर देखना चाहिए जो उस किताब से पढ़कर बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट यश गोयल के साथ मैं विधि धनखड़, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण TV पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर